हेलो एवरीवन, वेलकम इन आर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्सेशन क्वेश्चन। ओके, जैसा कि आप लोगों को मैंने एक रिसेंटली में वीडियो दी थी, अभी आप लोग अप्रॉक्स याद एक वीडियो मैंने आप लोगों को दी थी कन्वर्सेशन क्वेश्चन पर ही, जिसमें मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे। आज के इस लेक्चर में हम उन्हीं के आगे के जो क्वेश्चन लगते हैं, मैं 5 क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपके डेली लाइफ के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, और साथ ही साथ में आप लोगों के जो बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, जैसे कि आप सभी का इंग्लिश का पेपर, उसके पॉइंट ऑफ से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यूजफुल भी है। तो आप लोग खुद ही कॉन्फिडेंस के साथ कह पाएंगे। ओके, सो चलिए वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं स्पेलिंग के साथ साथ। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योर फेवरेट मूवी। अगर हम गाइस इसके हिंदी में इनकी बात करें, सो टेल मी अबाउट योर फेवरेट मूवी, अपनी फेवरेट मूवी, जो आपकी पसंदीदा मूवी है, फिल्म है, उसके बारे में कुछ बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेल समथिंग अबाउट ताजमहल। ओके, सो गाइस, अगर हम इसके हिंदी में इनकी बात करें तो क्या है इसके हिंदी में, कुछ ताजमहल के बारे में कुछ बताइए, समथिंग अबाउट ताजमहल। ओके, थर्ड वन, टेल मी अबाउट योर हॉबीज। ओके, हॉबीज का मतलब है शौक। ओके, सो टेल मी अबाउट योर हॉबीज, अपनी हॉबीज, अपने शौक के बारे में बताइए, मुझे बताइए। ओके, टेल मी अबाउट योर फेवरेट सॉन्ग। ओके, इसके हिंदी में इनकी बात करें, अपने पसंदीदा सॉन्ग, अपने फेवरेट सॉन्ग के बारे में मुझे बताइए। ओके, टेल मी अबाउट योर फेवरेट सॉन्ग, ऐसे करके आप लोग किसी से भी आपस में भी क्वेश्चन कर सकते हो, या स्कूल में जाते हो वहाँ पर भी क्वेश्चन कर सकते हो, अपने फ्रेंडशिप, अपने ग्रुप में। ओके, नेक्स्ट वन, आज का वीडियो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन जो आज के इस लेसन लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे कि आप लोग पूछते भी हैं, टेल समथिंग अबाउट योर विलेज, सिटी और टाउन। ओके, अब इसका मीन्स क्या है, ध्यान से सुनिए, लिसन केयरफुली माई वर्ड्स, व्हाट आई एम स्पीकिंग, व्हाट आई एम टेलिंग यू। सो गाइस, इसके हिंदी में क्या है, जैसे कि टेल समथिंग अबाउट योर विलेज, सिटी और टाउन। ओके, मुझे अपने गांव के बारे में बताइए, गांव, शहर या अपने टाउन के बारे में बताइए। अब यहां पर मींस क्या है, विलेज, सिटी, टाउन, मैंने तीनों क्यों लिख दिए। अब आप जहां से बिलोंग करते हैं, मतलब ये कहने का जहां पर आप रह रहे हैं, जहां पर आप रहते हैं, जैसे कि कोई गांव में रहता है या कोई शहर में भी रहता होगा, या इस इनमें से कोई नहीं मिले, गांव शहर में कोई भी नहीं, कोई तो कस्बे में भी रहता होगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है, जो जहां पे जैसे कि बिलोंग करता है, जैसे कि अगर जो कस्बे से बिलोंग करता है वो कस्बे के बारे में अपने बता सकता है, जो शहर से बिलोंग करता है वो अपने शहर के बारे में भी बता सकता है, डिस्कस कर सकता है, वो गाँव से बिलोंग करता है वो अपने गाँव के बारे में डिस्कस करेगा। तो यही कहने का मीन्स है, टेल समथिंग अबाउट योर विलेज, सिटी और टाउन। ओके, सो गाइस, इस लेक्चर के लिए इतना है। आई होप जब मैंने आज की इस लेक्चर में 5 कन्वर्सेशन क्वेश्चन डिस्कस किया आप सभी के लिए, आप सभी के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहावत ही है, विक्टम ही है, कि ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस एंड प्रैक्टिस इज आल्सो की ऑफ द सक्सेस। इस क्या है, सफलता की कुंजी है। लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को इसका नोट्स पीडीएफ पाना है, एक ही साथ में पढ़ना है, और भी जितने भी क्वेश्चन कन्वर्सेशन क्वेश्चन मैंने राइट किया है, सबको पढ़ना पाना है, पीडीएफ पाना है नोट्स, तो आप लोग स्पोकन इंग्लिश कोर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ पूरा डिटेल में, डीपली में स्टडी करने को सब कुछ मिल जाएगा इंग्लिश से रिलेटेड। ओके, तो गाइस, मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।